सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कल्चर हाईलाइटर के बारे में, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप एक टीचर हो या एक प्रेजेंटेशन देने वाले हो तो कल्चर हाईलाइटर की सख्त जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ता या कल्चर हाईलाइटर को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें, सर्च बार में वॉइस वर्ड लैब ये टाइप करें। देखिए फर्स्ट वाला आ गया है, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट है, ऑनलाइन टीचिंग वॉइस वर्ड लैब गूगल साइट, इस पर हमको क्लिक कर देना। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए वॉइस वर्ड लैब की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है, जहाँ पे लिखा है ऑनलाइन टीचिंग एंड फ्री ऑनलाइन टीचिंग रिसोर्स। तो हमको हाईलाइट कर डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हमको सिंपली नीचे आ जाना है और देखिए ये नीचे आ जाते हैं सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक लिंक दिया हुआ है, www.autohotkey.com। तो सबसे पहले आपको ऑटो हॉटकी डाउनलोड करना है, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे AHK, इसका फुल फॉर्म है ऑटो हॉटकी, लिखा हुआ है पावरफुल इजी टू लर्न। और यहाँ पे डाउनलोड फोरम, सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन फिर दे दिया, डाउनलोड वर्जन 1.1 एंड डाउनलोड वर्जन 2.0 एंड डाउनलोड वर्जन 1.0। तो हमको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, डाउनलोड वर्जन 1.1। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटो हॉटकी का डाउनलोड वर्जन 1.1 डाउनलोड हो रहा है। अब इसको सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑटो हॉटकी का सेटअप आ गया है। यहाँ पे लिखा है रिपेयर मॉडिफाई एंड अनइंस्टॉल। तो ये अनइंस्टॉल किस लिए लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ है। तो इसको मैं अब बैक आ जाता, और अगर आपके केस में यहाँ पर रन लिख के आएगा तो रन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पे जाके, ये जिप फाइल होता है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे जाके इसको ओपन कर लेना। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हमको फिर उसी वेबसाइट पे आ जाना है वॉइस वर्ड पे। तो जैसे कि पहले हमने www.autohotkey.com लोड किया था, ये मेरा देखिए मैं नया कर्जर इनेबल किया हूँ, देखिए रेड कलर का है ये। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। अगर आपको इस तरह का कर्जर की जरूरत हो तो आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैं कर्जर हाईलाइटर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मैं उसको भी दिखाऊंगा, आपको शो करूंगा। तो यहाँ पे चलिए फिर से मैं वहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि पेज ऊपर चला गया था। अब देखिए हम उसी उसी जगह फिर आ गए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है www.autohotkey.com। तो इसको हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। अब हमको यहाँ पे नीचे आ जाना है, देखिए हमारा कर्जर यहाँ जा रहा है। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड द AHK स्क्रिप्ट विथ एग्जाम्पल कोडेस फॉर द ऑटोमेशन ऑफ पावर पॉइंट। अब हमको इस पे क्लिक कर देना है। चलिए हमें इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ही हमको ये रिडायरेक्ट कर देगा नए पेज पे। देखिए यहाँ लिखा है नो प्रीवियस अवेलेबल, उसके बाद डाउनलोड और कनेक्ट मोर एप्स। तो हमको डाउनलोड पे क्लिक करना है। चलिए हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड हमारा है, देखिए लेफ्ट साइड में हो गया है। ये एक जिप फाइल है, ठीक है, इसमें लिखा है ना जिप एक्सट्रैक्टर। तो चलिए इसको हम देखिए डाउनलोड के इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारी फाइल कहाँ पे गई है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। जो कि मैं उसको जिप फाइल थी उसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके, और उसके बाद हमारे मैं एक फोल्डर बना लिया हूँ। तो वो फोल्डर में कहाँ पे गई है मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे जिस फोल्डर में मैंने कर्जर को डाउनलोड किया था, हमको कर्जर हाईलाइटर पे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला है कर्जर हाईलाइटर 2.2, और इसको हम पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन आ रहा है कर्जर हाईलाइटर पे 2.2 पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक नया पॉपअप आ गया है जिसमें लिखा है डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप फॉरम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। ठीक है, ऑटो हॉटकी का है, तो यहाँ पे हमको यस और नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमको यस कर देना है। चलिए मैं यस पे क्लिक करता हूँ। यस पे क्लिक करने के बाद देखिए ये कर्जर इनेबल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का आ गया है, ये देखिए ये येलो कलर का। और बैक साइड में देखिए एक रेड कलर का कर्जर चल रहा है, वो मैंने पहले ही डाउनलोड किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप देख सकते हैं कि ये कर्जर इनेबल हो गया है, और चलिए इसको मैंने पिन भी किया है, तो जहाँ पे पिन किया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए डाउन साइड में राइट साइड में एक देखिए कर्जर का ऑप्शन आ गया है, इस पे एरो है, एरो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कर्जर आ गया है कलर में, इस पे चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए डिसेबल हो गया और हमारा पुराना वाला कर्जर इनेबल है।
तो एक बार चलिए मैं इस पर फिर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए फ्री इनेबल हो गया है। चलो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद अब हमको कुछ फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो इस पर चलिए हम राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आ गए हैं, एग्जिट कर्जर हाईलाइटर एंड सेकंड पे है सेटिंग और थर्ड पे है स्विच टू पिक्चर कर्जर एंड फोर्थ पे है स्विच टू कर्जर फोकस। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं सेटिंग पे आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए जर्नल हाईलाइट सेटिंग हाईलाइट लेफ्ट क्लिक हाईलाइट राइट क्लिक पिक्चर सेटिंग एंड फोकस सेटिंग एंड हॉट की। तो देखिए यहाँ पे कर्जर है हाईलाइट है, उसके बाद पिक्चर फाइल है, कलर हाईलाइट पे टिक है और पिक्चर फाइल पे। चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पेन ऑप्शन आ गया है। अब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप भी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे तो पेन की मदद ले सकते हैं। और देखिए मैं चलिए थर्ड पे आ जाता हूँ, फोकस पे। तो फोकस पे मैं क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे फोकस का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ देखिए अगर किसी चीज़ को आपको फोकस में दिखाना है तो आप वो उसको वहाँ पे ले जाके आप दिखा सकते हैं। चलिए इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। कर्जर हाईलाइटर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा है व्हेन कर्जर हाईलाइट इज लॉन्च्ड शो द हाईलाइट एंड हाइड द हाईलाइट अंटिल शो बाय हॉट की एंड ट्रे आइकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है शो द हाईलाइट। तो जब आप कर्जर लॉन्च करेंगे तो यह हाईलाइट हो जाएगा अपने आप, और इसके बाद अगर नहीं चाहिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो ट्रे में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको इसी पर रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पे दिखाया व्हेन यू लेफ्ट क्लिक ऑन द ट्रे आइकन एंड शो, उसके बाद लिखा है शो द प्रोग्राम्स मेनू टैगल कर्जर हाईलाइट। और फोर्थ भी लिखा है व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ट्रे आइकन शो द प्रोग्राम मेनू एंड टॉगल कर्जर हाईलाइटर। तो आप इसमें देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं हाईलाइट सेटिंग पे। हाईलाइट सेटिंग में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सेटिंग फॉर द हाईलाइट और एडजस्ट द साइज एंड ओपेसिटी ऑफ द हाईलाइट। यहाँ पे देखिए मैंने 50 विथ किया है और 50 हाइट किया है। तो इसको चलो मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए इसका विथ बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको 200 पे कर देता हूँ और यहाँ पे हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो देखिए हाइट बढ़ाने के बाद ये देखिए इसकी हाइट बढ़ रही है। अब ये देखिए ये बड़ा हो गया है। तो आपको जिस साइज का चाहिए आप उस साइज का कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 50-50 था, मैं वो 50-50 कर देता हूँ। तो चलिए इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और हाइट को भी मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे आ गया ये ओपेसिटी, ये 200 पे है। तो इसकी ओपेसिटी का मतलब ये है इसके कलर को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के और थोड़ा सा घटा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं चलिए देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इस ओपेसिटी 255 तक की मैक्सिमम है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इनविजिबल एंड 255 ओपेक्योर, ठीक है। तो अभी आप 255 तक आप इसकी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो चलिए मैं इसको 200 पे कर देता हूँ, 200 इज इनफ। तो अब इसके कलर पे चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए चूज द हाईलाइट कलर, तो यहाँ पे येलो कलर है जो कि ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कलर पे क्लिक किया तो बहुत सारे कलर के ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे देखिए आप आपको जो पसंद हो कलर आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेड पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए रेड कलर का आ गया है, ठीक है। और चलिए एक दूसरा कलर हम मैं देख लेता हूँ फिर। अभी चलिए मैं चलिए ग्रीन पे क्लिक कर देते हैं। ग्रीन पे क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे हमको ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए ग्रीन कलर का हो गया है। मैं इसको येलो पे ही रहने देता हूँ। तो चलिए मैं इस पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। इसमें ग्रेडियंट भी है, आप ग्रेडियंट के कलर के चूज के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं इसको येलो पे ही रहने देता हूँ जो कस्टम कलर है। तो चलिए मैं येलो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये येलो कलर हो गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट लेफ्ट की हाईलाइट राइट की पिक्चर सेटिंग उसके बाद फोकस सेटिंग, आप इसमें सब कुछ ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप कीबोर्ड की हॉट की भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको ऑल्ट और उसके साथ की भी ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए टैगल टू कर्जर हाईलाइटर और उसके बाद स्विच टू हाईलाइटर और उसके बाद स्विच टू पिक्चर एंड लास्ट है स्विच टू कर्जर फोकस। आप अपने हिसाब से इसमें हॉट की भी सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद यहाँ पे आप डन कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर की मदद से कर्जर को हाईलाइट कर सकते हैं। और मैं इस कर्जर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको इजी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।